हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। जब भी हमारे फार्मर भाई हमसे कॉल पर बात करते हैं, हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं, तो उनका मेन एक मेजर सवाल रहता है कि सर मछलियों को क्या खिलाया जाए, क्योंकि दाने का खर्च अभी इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि भाई फार्मर भाई हमारे परेशान है, क्योंकि मछलियों का अभी तक प्राइस है वो डिसाइड नहीं हो पाया है कि यार इससे नीचे मछलियां नहीं बिकेंगी, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। इसी वजह से हमको मेन दिक्कत आती है मछली को कैसे खाना खिलाएं कि हमारा बजट है वो एकदम नॉर्मल रहे और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। तो आपका मछली वाला भैया आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज खड़ा है, और ये वीडियो होने वाला है कि अगर आप रोहू मछली, कतला मछली या फिर IMC मछली का पालन करते होंगे तो आप अपने फार्म पर ही इन मछलियों का खाना तैयार कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो कॉपी पे लेके बैठना है, थोड़ा सा आप इसका नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि देखिए मछलियों को उसके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग भोजन कराते हैं, और मछलियों के अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और आपका किस बेस पर आप मछलियों का पालन कर रहे हो, क्या आप मछलियों को ब्रीडिंग के लिए पालन कर रहे हो, या फिर उसको नर्सरी पालन कर रहे हो, या फिर मछलियों को आप बड़ा 1 किलो साइज तक ले जाकर उसको बेचने के लिए पालन कर रहे हो, तो ये अलग अलग फैक्टर है, उसी के हिसाब से मछलियों का डाइट है उसके अपन प्लानिंग बनाते हैं, और उसी हिसाब से मछलियों के लिए इंग्रीडियंट्स भी चूज करते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मछलियों को ज्यादा बेहतर फायदा पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों, अपन बात करने वाले हैं आज कि अगर आप मछलियों को ग्रो आउट कल्चर करते हो, मतलब फिंगरलिंग साइज अपने ग्रो आउट तालाब में छोड़ करके उसको बड़ा साइज 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो साइज तक लेकर जाकर उसको आप सेल करते हो, तो क्या खाना खिलाएं, उसके बारे में है आज का वीडियो। हर इंग्रीडियंट्स को मैं अलग अलग रेशो में आपको बताने वाला हूं, और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम ऑथेंटिक है, 100% उस रेशो में आपको मछली को खाना खिलाना है। रोहू मछली दोस्तों प्लांटियोरस मछली है, ये आपकी जूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को खाती है। जुवेनाइल स्टेज मतलब आपके स्पॉन फ्राई स्टेज में ये एल्गी को भी अच्छे से खाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रेशो बताता हूँ, ये आपको 4 इंपॉर्टेंट रेशो में बताने वाला हूँ, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग प्रतिशत में हम लोग मिला करके रोहू मछली या फिर IMC मछली का खाना है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेकर इस वीडियो को देखना है दोस्तों। सबसे पहले मेरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों आपका आपका सोयाबीन की खली, ठीक है, उसके साथ आपकी फिश मील, इसकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल केक मतलब आपकी सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हो, उसके साथ राइस ब्रांड, मतलब 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं। सबसे पहला आपकी सोयाबीन की खली, ठीक है, उसके साथ आप मस्टर्ड ऑयल केक मतलब सरसों की खली और राइस ब्रांड, इन तीनों में आपका सोयाबीन का परसेंटेज 28% रहेगा, ठीक है, उसमें मस्टर्ड ऑयल केक उसका प्रतिशत 28% रहेगा, राइस ब्रांड का प्रतिशत है वो आपका 44% रहेगा, तीनों को मिलाकर के 100% होता है। तो ये पहला इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, अगर आपके पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स उपस्थित होंगे तो इसी रेशो में आपको मछली को खाना खिलाना है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करता हूं, वीट ब्रांड, जिसको गेहूं का छिलका जो रहता है ना, उसके साथ आपको ग्राउंड नट ऑयल केक, ठीक है, और उसके साथ सोयाबीन की खली, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में आपका जो वीट ब्रांड रहेगा दोस्तों उसको आपको 40% मिलाना है, जो गेहूं का छिलका होता है उसको, ग्राउंड नट ऑयल केक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बादाम की खली या फिर आपकी मूंगफली की खली बोलते हैं, उसको 40% मिलाना है, और उसके साथ 20% आपको सोयाबीन की खली मिलानी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला करके रात को भिगा दीजिए, और सुबह आप उसको अच्छे से लोना बना करके तालाब में छिड़काई करा दीजिए। तो तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स आता है दोस्तों राइस ब्रांड, ठीक है, मतलब जिसमें आपका धान का छिलका जिसको बोलते हैं, उसके साथ मस्टर्ड ऑयल केक मतलब सरसों की खली, और उसके साथ सोयाबीन की खली, इन तीनों में आपकी राइस ब्रांड है वो 40% रहेगी, मस्टर्ड ऑयल केक वो 40% रहेगी, सोयाबीन की खली है वो 20% रहेगी, ठीक है। इन इंग्रेडिएंट्स को जो मैं प्रतिशत आपको बता रहा हूँ उसी प्रतिशत में मिला करके मछलियों को खिलाना है, इसका मेन कारण मैं इस वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। चौथा हमारा इंग्रेडिएंट्स आता है दोस्तों राइस ब्रांड,
ठीक है, मस्टर्ड ऑयल केक और ग्राउंड नट ऑयल केक, इन तीनों को मिला करके आपको मछलियों को खिलाना है। अगर रेशो की बात करें तो राइस ब्रांड और मस्टर्ड ऑयल केक को आपको दोस्तों 50% मिलाकर खिलाना है, ग्राउंड नट ऑयल केक को आपको 50% मिलाकर के खिलाना है। देखिए मैंने आपको जो चार इंग्रेडिएंट्स अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग रेशो में जो बात किया है दोस्तों, वो एक्चुअल में आपके प्रोटीन, विटामिन, आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को देखते हुए अलग अलग रेशो में हम लोग इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे फार्मर भाई जो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं अवेलेबल रह पाती, तो इसी वजह से मैंने अलग अलग ऑप्शंस में आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ताकि आपके आसपास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे उसी को आप उसी रेशो में मिला करके ही खिलाइए। अगर इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो मैं और वीडियो बना सकता हूं कि और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके रोहू मछली या फिर आईएमसी मछली के लिए यूजफुल हो सकती है। जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसी रेशो में आपको मछली को फीडिंग कराना है। दूसरी बात, हर मछली को खिलाने का एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है, क्योंकि हमारी मछलियां अपने लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहती है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप फिंगरलिंग साइज के बच्चे तालाब में छोड़ते हो तो फिंगरलिंग साइज से आपके 100 ग्राम तक दोस्तों उसको 6% बॉडी वेट के हिसाब से फिटिंग कराना है। 100 ग्राम से आपके 500 ग्राम तक आपको उसको 4-5% बॉडी वेट के हिसाब से फिटिंग कराना है। 5-1 किलो साइज तक को होते होते आपकी मछलियों को 3-4% बॉडी वेट के हिसाब से फिटिंग कराना है। ये मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट बताए हैं इसी को उसी रेशो में मिला करके ही आपको फीडिंग कराना है। अपना दिमाग यहाँ पर मत लगाइए, ये सारी चीजें ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं, मैंने खुद इसको अप्लाई किया है, उसके बाद मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको भी कमेंट कर सकती हैं। मेरे हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज फॉलो कर लिया है, और अगर मछली पालन में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मछली के फीडिंग मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल मछली पालक भाई लोग आप देख रहे होंगे कि जो दाने का खर्च है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको इसका अल्टरनेट देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको समय समय पर अपने तालाब में फर्मेंटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना ज्यादा सप्लीमेंट्री फीड खिलाते हैं उससे उतने ही प्रतिशत में हम लोग तालाब में फर्मेंटेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो मछलियों के आहार में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लोगों को सप्लीमेंट्री फीड के साथ प्लैंकटॉन भी मछलियों को खिलाना पड़ता है। तो आप तालाब में 15-20 दिनों में एक बार फर्मेंटेशन करिए, अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखिए, अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़िए, तभी आप मछली पालन में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके अलावा आपका मछली वाला भैया हमेशा आपके लिए खड़ा है, कुछ सवाल होता है उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पे कॉल पर बात कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी की सर्विस भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।